अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद तला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सफ़र। और आज है जी 14 अगस्त का दिन। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्कियाँ अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को एक होकर और ख़ासकर इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को एक और नेक होकर रहने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, आज का जो हमारा सुबह हम पहुँचे थे हैदराबाद से, तो अभी निकल रहे हैं इंशाल्लाह घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ। और किस तरफ जाते हैं देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर आपको भी दिखाएंगे। अभी मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, बस ये पता कि चलो ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह और आपको भी दिखाएंगे जहाँ जाएंगे। भाई लंबा सफ़र करने के बाद अब 5:30 हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। ये शहर में पहुँच गए सौदा, तो केंद्र जी से बिल्कुल सीधा आप आगे आएंगे तो एक नया पॉइंट है आगे की तरफ। आगे आगे आपको चल के दिखाते हैं इंशाल्लाह। काफ़ी बड़ी आबादी है। किस तरफ जाना है? झील में जाना है ना, पता नहीं कहाँ है झील, कहाँ से काम घुमा दे कुछ नहीं पता। रास्ता तो साफ है। अच्छा जी, आपको जो है ये पॉइंट दिखा रहा हूँ केंजर झील के अंदर वाला रास्ता। ये थोड़ा सा ताल्लुक के उस पर भी आए हुए हैं, ये इन्होंने खुद अपने बनाया हुआ ना ये पॉइंट। बड़ा ही प्यारी जगह है, बड़ी मतलब पुरसकून जगह है। ये बंदे को रश नहीं चाहिए, चलते नहीं चले। अच्छा जी, ये रास्ता है ऊपर से नीचे आने का, थोड़ा सा वो किया हुआ लेकिन बनाया हुआ है, सही है, मतलब इजीली आप आ जा सकते हैं। इसके अलावा जी ये आप यहाँ से व्यू चेक करें इसका, ना कोई बंदा है ना कोई रश है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है फैमिली के लिए। अभी मैं आपको ये बहुत खूबसूरत यहाँ से पॉइंट बना हुआ है और बहुत ही आगे एक तो सफाई है, कचरा नहीं है, मकामी लोगों की जगह है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह। ये मामू ने कोई चीज़ उठाई, मामू ये क्या है, क्या चीज़ है ये? ये पानी में होता है कीड़ा। अच्छा, तो इसका क्या होता है? पानी में जिंदा रहता है ये काटता नहीं है क्या? पानी में जिंदा रहती है ये मूव कर रहा है ना? जी जी, नहीं करो ये करो। ये अपने आप को बंद कर रहा है अंदर, है ना? मैंने वैसे ये फर्स्ट टाइम देखा इसको, ये खुला है, ये बराबर, ये नुकसान नहीं पहुंचाते? क्या नुकसान पहुंचेंगे? ये देखिए मूव कर रहा है कैसे ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है। ये देखिए अंदर इसकी आँखें हैं मेरे ख्याल से, वो एक छोटा सा वो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे। अच्छा, मैं तो नहीं उठा रहा भाई, मेरा डर लग रहा है। ले लो ले लो ले लो, नहीं है भाई ले लो।
आप जगह देखें, व्यू देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, और ऊपर बादल भी हैं आज 14 अगस्त का दिन भी है। खैर वहाँ उस जो मेन पॉइंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो ये बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पर एक पुरसकून जगह में मिल गई। अगर दिखाऊँ ये जगह पर हमारी कड़ी कड़ी भी आउट क्लास जगह देखने को मिली थी आज केंजर झील पे, फर्स्ट टाइम मतलब इतनी यहाँ पर कई दफ़ा आया हूँ, लेकिन जो मज़ा इस जगह पे है और जो सुकून इस जगह पे है ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे लोगों ने पॉइंट बनाए होंगे, लेकिन खैर हम यहाँ तक पहुँच सकते थे, हम यहाँ पर पहुँचे। बस यहाँ पर यह है कि आपको कश्ती वगैरह नहीं मिलेगी, तो कर लिए नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह सभी नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसी पानी से किए मीठा पानी पीते हैं माशाल्लाह। मामू पानी कैसा है, वजू कर लिया आपने? अच्छा जी, इसने भी वजू कर लिए। इस जगह पे खड़ा हूँ, जी तो आपको रास्ते की कंडीशन दिखा दें थोड़ी सी, गाड़ी आ तो सकती है, जा भी सकती है, ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है। इस तरफ झाड़ी हैं, बाकी तो सब उतर गए। ये रखा पाऊँ, उसके बाद ये इसमें रखा, इसमें जो है शायद गलत रखा, इस पे रखा, इस पे रखा, ये भी हिल रहा है। अब किस पे रखना चाहिए, पूरा पैटर्न बन गया यार, स्लिप हो रहा है, असल में जूती गिरी है। ओए ओए ओए, जंगल देखें भाई, ऐसी जगह पे आपको कोई भी नहीं लाएगा इंशाल्लाह। ये यहाँ से जाना है, उसके बाद ये एक पॉइंट बना, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने कैसे कैसे अपने पॉइंट बनाएंगे। लोग सोचते हैं सिंध में कुछ भी नहीं है, सिंध को भी अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। अभी कराची से कोई बहुत कोई 2 घंटे का बमुश्किल रास्ता है, वो भी साफ सुथरा कारपेटेड रोड है, उसके बाद आप इस बेहतरीन जगह पे पहुंच सकते हैं। जबरदस्त शानदार कश्ती भी एक खड़ी हुई, क्योंकि इस साइड सारे घर हैं और इस साइड हम घूम रहे हैं। ये पाइप देख रहे हैं, हमने पाइप रखा हुआ है,
पानी वगैरह अपना घर का लोग भरने के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ सिस्टम करते होंगे। पाइप रखे हुए हैं, ये मोटर वगैरह अपनी लगाई हुई होती है, पाइप अंदर छोड़ते हैं पानी में। वैसे माम ऐसी जगह बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत कम। ये देखें इस साइड पे सारा आप देखें ना उस ऐसे ही अच्छा अच्छा मामू ये देखें कैसे एक तरह से यहाँ खुला मैदान है, पूरी झील। वैसे आज बादल है, वरना अगर सूरज वगैरह होता तो आप मंजर और भी कुछ अलग देखने को मिलते शायद। अच्छा भाई सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिसके साथ हम आए थे वो भी गायब हुआ है। खैर इस तरफ एक बस्ती है जहाँ पर बहुत शहरों की बस्ती है, कोई भी नहीं है। हाँ वो देखें मुझे बिस्तर बांध के अब हवा का शोर चेक करें, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हवा चल रही है और क्या मतलब ज़बरदस्त जगह यार। बंदा इतना सफ़र कर गया तो पैसे वसूल हो जाते हैं। खैर ये मैंने शायद आपको पहला ऐसा पॉइंट दिखाया हुआ, और शायद आपको किसी ने आज तक ऐसा पॉइंट दिखाया हो। उसकी वजह ये है कि ऐसी जगहों पे बहुत से लोग आने में डरते नहीं हैं, हो सकता है किसी ने दिखाया भी हो, दावा नहीं कर सकता, ये फिस सऊदी अरब से स्पेशल बीच खाने वाला। अच्छा जी मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, और इसके अलावा चाय भी आ गई है, ज़ियाफ़त का इंतज़ाम हो गया, चाय भी खाली दूध की चाय भूल गया ये। चलते हैं चाय पीते हैं इंशाल्लाह, चाय आ गई है भाई, चाय ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर बैठेंगे, जगह चेक कर, हवा भी अच्छी आ रही है। अच्छा जी चाय भी है, इधर हम बैठ रहे हैं पत्थर पर, इस तरफ दरिया है पर मतलब है झील है, इस तरफ हम बैठे हुए हैं, हवा अच्छी है, बेहतरीन। मैं पंजाब की चाय याद आ गई, बिल्कुल खालिस दूध की बनी हुई है, तो थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन खालिस दूध की भाई चाय मिली है यार, बहुत ज़बरदस्त चाय। अच्छा जी तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं एक जगह और, वहाँ पर इंशाल्लाह खाने का इंतज़ाम है, वहाँ से खाना खा के फिर कराची।